इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में आने वाली है फ्लाइंग बाइक, और इस फ्लाइंग बाइक का चीट कोड क्या होने वाला है, तो आज हम लोग कुछ ऐसे ही मिथ्स को कंफर्म या बस्ट करने जा रहे हैं। हमारा पहला मिथ है कि अगर हम बीच पर बोट स्पॉन करके RGB करेंगे फिर पानी में चला के देखो मैजिक। तो बोट का चीट कोड है 3001 और इसको मैंने समंदर में आके स्पॉन कर दिया है। अब इसको मैं कलर करूंगा RGB में, तो ये हो चुकी है RGB कलर की। अब इसमें मैजिक जो है वो आपको दिखेगा बोट के नीचे। भाई अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो बोट के नीचे का पानी भी आपको RGB कलर में दिखता है। अब चलाएंगे तो ये RGB हमारे साथ साथ चलेगा। तो अभी मैं बोट में बैठ चुका हूँ गाइस, और इसको देखो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, और आप देख सकते हो नीचे जो शेड आ रहे हैं पानी के वो पूरे RGB कलर के ही आ रहे हैं। और मुझे ये देखना था कि नीचे से भी क्या RGB कलर का पानी दिख रहा है, लेकिन नीचे आके तो हमें ऊपर का व्यू दिख ही नहीं रहा ढंग से, इसलिए मैंने ले लिया है जेट पैक। और अब मैं जाने वाला हूँ पानी के अंदर, और पानी के अंदर से मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा व्यू दिखता है। तो यहाँ पे हमें जो पानी का शेडर दिख रहा है वो भी यार ब्लू कलर का ही दिख रहा है, तो वो कुछ RGB में दिख नहीं रहा है। जो कि ऊपर से हमें दिख रहा है वैसा नीचे से नहीं है, बट दिखता ना तो बहुत अच्छा लगता, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर हम सिंपल लैम्बोर्गिनी को स्विमिंग पूल में स्पॉन करते हैं और स्विमिंग पूल से बाहर निकलते हुए उसमें बैठते हैं तो हम लोग गाड़ी के अंदर ऐसे बैठ जाएंगे जैसे कि सनरूफ से बाहर निकल रहे हों। तो इसलिए यहाँ पे 3333 की चीट कोड से मैंने स्पॉन कर दिया सिंपल वाली लैम्बोर्गिनी। इसमें हमें बैठना नहीं था, बाहर निकलते हुए बैठना था, थोड़ी गलती कर दी। तो जब हम बाहर निकलेंगे तब हमें ऐसे एंटर का ऑप्शन दबाना है और हम लोग आ जाते हैं इसके ऊपर। अब ये आप देखो जो ग्लिच बोला गया था कि सनरूफ जैसे हम लोग बैठ जाएंगे वो हो चुका है, जैसे कार में सनरूफ नहीं होता वैसे हम लोग इसके बाहर आ रहे हैं यार, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा तो लग रहा है। लेकिन अब मैं अटक चुका हूँ क्योंकि हम लोग और कुछ कर नहीं सकते, थोड़ा सनरूफ खुल भी जाता तो अच्छा रहता। ऐसा ऑप्शन पता नहीं कब आएगा हमारे गेम में कि सनरूफ खुलेगा और बंद होगा, कन्वर्टिबल कार मिलेगी हम लोग को, लेकिन अभी के लिए ऐसा नहीं है, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ यह है कि पहले जब पुलिस इधर उधर चलती थी तो उस पर गोली नहीं लगती थी, पर इस वाले अपडेट में देखो क्या होता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि पिछले अपडेट तक, वैसे इस अपडेट का मैंने देखा नहीं है, पिछले अपडेट तक जो पुलिस रहती थी ना वो कभी कभार ग्लिच हो जाती थी, उनको पता नहीं क्या हो जाता था, फिर वो इधर उधर चलने लग जाते थे, आपको पता ही होगा, फिर हम उनको ना गोली मार पाते थे और ना वो हमें मार पाते थे, तो वो बस खड़े रहते थे, हम उनको मार ही नहीं सकते थे। अब इस अपडेट में देखते हैं क्या होता है। तो पुलिस तो आ चुकी है, अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, देखो जैसे चल रहा है ना वैसे पिछले अपडेट में भी चलता था, लेकिन इसमें देखो अभी चलना बंद कर दिया, पता नहीं क्यों, पिछले अपडेट में चलना बंद नहीं करता था, इसमें पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ अलग सिस्टम है, देखते हैं। लेकिन और पुलिस वालों को ऑन दो, वहाँ से एक और आ रहा है, देखते हैं ये मारता है कि नहीं। ये देखो मुझे नहीं मार रहा शायद, है ना, नहीं नहीं मार रहा है। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इनमें से एक आध पुलिस वाले मुझे नहीं मारे, तो फिर वो ग्लिच मैं आपको दिखा सकता हूँ। अब मैं डॉक पे बैठ चुका हूँ, तो ऐसा होगा कि डॉक पे बैठ जाते हैं ना तो ये लोग गोली नहीं मारते, तो गोली नहीं मारेगा तो फिर ये ग्लिच हो जाएगा, तो देखते हैं थोड़ी देर बाद हो जाएगा। देखो ये हो गया, नहीं नहीं अभी नहीं हुआ। भाई ये एम क्यों कर रहा है, जा ना। मुझे लग रहा है कि इस अपडेट में ये ग्लिच जो है फिक्स हो चुका है, 5 मिनट से खेल रहा हूँ वो ग्लिच हो ही नहीं रहा। अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक पुलिस वाला आपको दिख रहा होगा कि वो दूर जा रहा है ना, अब वो दूर जा रहा है जैसे कि ये भी दूर जा रहा है, लेकिन मैं जैसे इसके पास आया इसने मुझे मारना चालू कर दिया, और इसने भी कर दिया। पहले वाले अपडेट में ऐसा नहीं होता था, इसलिए अब भाई हर पुलिस वाला आपको मारेगा, आप किसी से भी बच नहीं सकते, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ यह है कि न्यू अपडेट में आप पुलिस को गाड़ी से मार सकते हो। ये चीज तो शायद से मैंने भी नोटिस करी है, क्योंकि पिछले अपडेट तक यार आप पुलिस को मार ही नहीं सकते थे, वो बिल्कुल एक स्टील के आर्मर जैसे रहते थे, अगर आप उनको किसी से भी ठोक दो उनको कुछ भी नहीं होता था, आप ऐसा लगता था कि किसी बिल्डिंग से जाके टकरा गए। लेकिन इस अपडेट में मुझे लग रहा है कि मैंने पुलिस को ना गाड़ियों से गिरते हुए देखा है, तो वो एक बार चेक भी कर लेते। यहाँ पे पुलिस वाले आ चुके, एक आध पुलिस वाला बाहर निकले गाड़ी से, तो मैं उसको फिर गाड़ी से उड़ाऊँ। हाँ आ गए, बाहर आ गए, अब मैं चेक करता हूँ, कोई ओपन में आ जाओ बस थोड़ा सा, हो गया ठीक है। अब इसको हम लोग धक्का मारते, ओहो मार दिया। पहले ऐसा नहीं होता था गाइस, आपको याद होगा कि पहले के अपडेट्स में हम इनको गाड़ी से मार ही नहीं सकते थे यार बिल्कुल भी। तो ये पूरा पुलिस का जो मॉडल है ये चेंज हुआ है न्यू अपडेट में, नई नई चीज़ें इसमें है, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर आप डॉग स्पॉन करो और मून ग्रेविटी लगाकर NPC के कार से टकराओगे तो फ्लाइंग डॉग बन जाएगा। ये चीज अभी तक हम लोग हॉर्स से करते थे, जहाँ पे हम लोग फ्लाइंग हॉर्स बनाते थे, अब मैंने मून ग्रेविटी लगा दी है, देखते हैं डॉग कितना ऊपर तक उड़ सकता है और क्या ये सही में फ्लाइंग डॉग बन सकता है।
कार की जरूरत है नहीं, हम लोग ये साइड का जो फुटपाथ है ना इसी से कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है ये है इसकी मैक्सिमम हाइट, डॉग इससे ज़्यादा ऊपर जाएगा नहीं, लेकिन इतना भी काफ़ी है इसको फ्लाइंग डॉग बनाने के लिए। कार से करेंगे तो और ऊपर हाँ जा सकता है। कार ढूंढते हैं हम लोग, कार मेरे सामने ही आ रही है, इससे हम लोग को ना टक्कर मारनी पड़ेगी डॉग की। और ये देखो ऐसे आप लोग फ्लाइंग डॉग बना सकते हो गाइस, लेकिन इसकी हाइट है ना हॉर्स जितनी नहीं है, हॉर्स तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है। ये देखो मैंने कार को ही फ्लाइंग कार बना दिया टक्कर मार के, और ऊपर तो मैं जा सकता हूँ लेकिन थोड़ी अच्छी कार चाहिए मुझे। ए बुगाटी वाले उड़ाना रे भाई, ये क्या कर रहा है यार, इससे बुगाटी चल नहीं रही, इसके कारण मैं भी ढंग से उड़ नहीं पा रहा। ये दूसरा आया, ये मेरे साइड से निकल गया। अच्छा वहाँ से ऑडी वाला आ रहा है, नहीं ये तो पुरानी वाली है, इससे मारते हैं। ये लो टेक ऑफ, इतना ही है भाई इसका, इतना ही है, इससे ऊपर ये उड़ेगा नहीं, तो ये मित कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मित दिया है दिव्यांश अग्रवाल ने, और इनका मित ये है कि हम लोग डॉग से अब टावर बना सकते हैं। पहले तो वैसे ये पॉसिबल नहीं था, अभी करके देखते हैं, क्योंकि अब डॉग हिलता नहीं है। तो 600 से स्पॉन करते हैं और 2 का टावर तो बन गया, मतलब कि पूरा बन जाएगा गाइस, क्योंकि अब ये इजी हो जाएगा। पहले क्या होता था कि डॉग एक के ऊपर एक स्पॉन नहीं होते थे, वो अगल बगल होते थे, इसलिए टावर बन नहीं पाता था, लेकिन अब बहुत ही इजी हो चुका है। तो आप कितना भी बड़ा टावर बना लो यहाँ पे, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ी देर के बाद ये भी गिर जाएंगे डायनासोर की तरह। तो अगर आपको भी अपने SMS देने हैं ना मुझे, तो आप भी दे सकते हो, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप अपनी वीडियोस अपलोड कर सकते हो। तो ये मित कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मित यह है कि अगर बीच के पानी पर बोट स्पॉन करके स्लो मोशन ऑन करके स्काईफॉल और एंटर एक साथ दबाएं तो बिना कैरेक्टर के बोट चल सकती है। तो बोट आ गई है हमारी, इन्फिनाइट हेल्थ लगा ली है, स्काईफॉल लगाता हूँ 1120 से, साथ में एंटर का ऑप्शन दबाएंगे और ये हो गया मैजिक। तो गाइज हम लोग जो है वो गायब हो चुके हैं, ठीक है, हम लोग का कैरेक्टर गायब हो चुका है और बिना कैरेक्टर के यहाँ पे बोट चल रही है, लेकिन एग्जिट का ऑप्शन है नहीं, तो आप देख नहीं सकते आपका कैरेक्टर गया कहाँ, मुझे भी नहीं पता वो कहाँ गया। लेकिन अब आप एक इनविजिबल मैन की तरह बोट को चला सकते हो, बस भाई जमीन पे मत आ जाना, फिर वो भी चलना बंद हो जाएगी। तो ये मित कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मित ये है कि पानी में घोस्ट राइडर बाइक को आधा डुबाएंगे तो उसका फायर नहीं दिखेगा। तो अभी आपको इसका फायर दिख रहा होगा, मैं अभी पानी में गया नहीं हूँ, ठीक है, घोस्ट राइडर बाइक है ये, अब धीरे धीरे हम लोग पानी में जाएंगे, तो बिल्कुल ही ध्यान से देखना। अभी इसका आगे वाला टायर पानी में जा चुका है और आगे वाले टायर से फायर हट चुकी है, ठीक है, ध्यान से देखना। पीछे वाला टायर भी जा चुका है पानी में और पीछे वाले टायर से भी फायर हट चुकी है, बस ऊपर ऊपर आपको दिख रही होगी, अंदर नहीं दिख रही, ठीक है। अब धीरे धीरे देखो बाइक भी अंदर जा चुकी है और बाइक के स्कल से भी फायर हट चुकी है, और जैसी पूरी बाइक चल जाएगी पूरी बाइक से भाई फायर हट जाती है, लेकिन फायर है पानी के अंदर भी है, लेकिन ऊपर से दिखाई नहीं दे रही है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर के दिखाई दे रही है। अगर हम लोग पूरा अंदर चले जाएं तो अंदर आप देख सकते हो पानी के अंदर फायर है, तो काफी अच्छा इल्यूजन है ये, और ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि 1600 फ्लाइंग बाइक का चीट कोड है। तो गाइज हमारे अपडेट में बहुत सारे न्यूज़ ऐसी आ रही है कि फ्लाइंग बाइक आने वाली है, और ये बात भी ऑलमोस्ट सच्ची है कि फ्लाइंग बाइक आने वाली है, लेकिन वो कब तक आएगी ये हमें नहीं मालूम। तो अभी 1600 का हम लोग मिथ कन्फर्म या बस कर नहीं सकते, क्योंकि चीट कोड का तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको फ्लाइंग बाइक दिखाता हूँ। तो गाइस फ्लाइंग बाइक जो है वो कुछ ऐसी सी रहेगी, और उसको आप उड़ा भी पाओगे भाई, तभी तो वो फ्लाइंग बाइक है, बिल्कुल एक होवर बाइक की तरह वो रहेगी, और उड़ाने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा, तो यही मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि फ्लाइंग बाइक जल्द से जल्द आए, तो भाई कमेंट्स में बहुत सारे फ्लाइंग बाइक लिख दो, और वीडियो को लाइक कर दो, और मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो ऐसी मज़ेदार इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियोस देखने के लिए। और अगर मेरी पिछली वीडियो आपको देखनी हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।